जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जप कीजिए। कोई भी आए, कम से कम बोलकर उसका सत्कार कर दीजिए। फिर कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण को भगवान के नाम में लगाइए। इसके बिना महात्माओं का सच्चा स्वरूप समझ में आना कठिन है। जितना अधिक भजन कीजिएगा, उतना ही अंतःकरण में भगवान एवं महापुरुषों का सच्चा स्वरूप चमकेगा। एक ही दवा है, निरंतर भगवान के नाम का जप। जहाँ तक हो, कान से नाम सुनिए। सत्संग का फल है भजन, भजन का फल है सत्संग। ये दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी भजन की ही है। यों तो भगवान एवं महापुरुष जब चाहे उसी क्षण वे आपको अपने समान बना ले सकते हैं, पर यदि आपको बना ले तब फिर भजन करने वाले के प्रति अन्याय होगा। जो दिन रात भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करके आंसू बहाता है, उसका सम्मान कम हो जाएगा। संत की कृपा पूर्ण है, अंतःकरण मलिन होने के कारण ही हम लोग उसे समझ नहीं पाते। नाम लेने से जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा, वैसे वैसे भगवान एवं महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। फिर संत का संग इतना अधिक प्यारा लगेगा कि वियोग की संभावना से प्राण सूख जाएंगे। अभी अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, फिर दिन रात वही स्थान प्यारा होगा जहां महापुरुष का चरण टिकता है। आप में जितनी शक्ति हो, उतनी की उतनी पूरी शक्ति लगाकर निरंतर भगवान का नाम लेने की चेष्टा कीजिए। पूरा तो उनकी कृपा से ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जंतव, तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से या बिना श्रद्धा के ही उपेक्षा में मेरे नाम की रट लगाने वाले का नाम मेरे हृदय में सदा वर्तमान रहता है। भागवत में आया है, जिसके मुख में हे भगवन तुम्हारा नाम है, उसने सब तपस्या कर ली, सब यज्ञ कर ली, तीर्थ स्नान कर लिया, सब गुणों का संचय कर लिया, यहाँ तक कि वेद परायण भी उसने कर लिया। यों तो प्रभु निरंतर आपको याद रखते ही हैं, वे किसी को भी नहीं भूलते, पर नाम रटने से विशेष रूप से उनकी कृपा आपको दिखने लग जाएगी। कृपा तो अभी भी पूर्ण है, पर वह आपको दिख नहीं रही है। भजन करने से ही वह दिखाई देगी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, निरंतर भगवान के नाम का जप।